कुगी डिकरा उठ नहीं बाबा। ओ टप्पू पुत्तर, क्यों हो गया इतनी रात को? तूने फोन किया, जल्दी बोल यार। छोड़ी अंकल, आप प्लीज कुगी को फोन दीजिए ना। अरे टप्पू पुत्तर, रोशन कल कुगी को उठा रही है, पर वो उठ ही नहीं रहा है यार। कुगी उठ। कुगी डिकरा, मेरा पुत्तर जल्दी उठना, दिख टप्पू को देर से अर्जेंट काम है। टप्पू पुत्तर सॉरी, कुगी पुत्तर तो उठ नहीं रहा, अभी तो गुड मॉर्निंग में ही तेरी उससे बात होगी, तू सो जा, गुड नाइट। छोड़ी अंकल, आप एक काम कीजिए, गोगी के कान में बल्ले बल्ले बोलिए। हाँ। अच्छा बोलता हूँ। बल्ले 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 बल्ले। हाय जॉनी, हमारे डिकरे को कैसे उठाना है ये हमको नहीं टप्पू को पता है। वेरी गुड आइडिया। क्या हुआ बाबा? ओए टप्पू पुत्र का कोई अर्जेंट काम है, ले बात कर। हाँ बोल टप्पू। हाँ गोगी, मेरी बात एकदम ध्यान से सुन। ओके गोगी। टप्पू तुसी ग्रेट हो, चल गुड नाइट बाय। ये लो बाबा। ओ गोगी पुत्र, ओ टप्पू पुत्र को इतनी आधी रात को क्या अर्जेंट काम है भाई? मैं आपको सवेरे सुनाऊंगा। अरे अरे कलिंगर मजब सभी नाश्ता करके दुकान के लिए निकलेंगे। बोलो, ये माँ बेटी नींद में भी मेरा नया नया नाम रख रहे हैं। वाओ टप्पू, क्या प्लान है? डोंट वरी, गोली किसी को नहीं बताएगा। गोली अपना मिशन तो पूरी तरह से समझ गया है ना? ओके, कल सुबह मिलते हैं क्लब हाउस। मिशन सक्सेस होकर ही रहेगा। और सुन भाई, तू नाश्ता करने के चक्कर में लेट मत आना। अरे डोंट वरी, कल मैं सुबह जल्दी उठकर नाश्ता कर लूंगा। ठीक है, बाय गुड नाइट। ओके बाय गुड नाइट। ये बाहर कौन बोल रहा है? कौन सा मिशन? कैसा मिशन गोली? मम्मी पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल बात करते हैं। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। तो सो रही थी ना? हाँ सो रही थी, लेकिन अभी जाग गई हूँ। क्या हुआ क्या टप्पू के पापा? क्या आप ऐसे आधी रात को यहाँ पर क्यों आ गए? वो मुझे ऐसा लगा मैंने किसी की आवाज सुनी, लेकिन यहाँ आके देखा तो कोई नहीं है। हो सकता है आपको कोई भ्रम हुआ होगा, या फिर आपने कोई सपना देखा होगा। अच्छा चलिए सो जाइए। भ्रम था? नहीं सच में मैंने किसी की आवाज सुनी। चलिए उठे पापा, सो जाइए। सोनू, ए सोनू, सोनू काय झालं बोल? मैंने सोनू बोला, सोनू की आई नहीं। वो क्यों नहीं आई? वो गई। गई कहाँ गई? पता नहीं, आई मैं आती हूँ कहकर गई। काय झालं? नहीं नहीं मुझे जानना है कि टप्पू को उसके साथ ऐसा क्या काम था जो आधी रात को 3 बजे उसने फोन किया था। कहाँ गई कहाँ वो? पता नहीं, सोसाइटी में ही होगी। जाते वक्त पिगी बैंक साथ में लेके गई है। पिगी बैंक क्यों? क्या पता ये टप्पू का क्या चला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आहो आहो आई का मी काय म्हणते अभी जाके आता आहो ओके ओके टप्पू इज अ ग्रेट प्लान सीरियसली टप्पू जो करता है वो सोच समझ के करता है ओए ये पिंकू किधर है कल उसके अंकल आए थे ना तो उसके साथ लोनावाला चला गया लोनावाला चलो फ्रेंड्स अपना अपना पिकी बैंक खोलो वाह टप्पू इतने सारे पैसे पिछले एक साल से जमा कर रहा हूँ वाह गोली तेरी पिगी बैंक तो सबसे बड़ी है गोली के पास सबसे ज्यादा पैसे हो गए ए गोली खोल ना खोल ना खोल 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 जल्दी खोल जल्दी खोल ना यार गोली बाकी के पैसे किधर है गोली तू पिगी बैंक में पैसे जमा नहीं करता था अरे मैं पैसे जमा करता था साल भर जो भी पैसे आते थे वो मैं जमा करता था तो पैसे कहाँ गए हाँ अरे वो क्या है ना कि जिस दिन मुझे पैसे मिलते थे ना उसके अगले दिन मैं बिस्किट और चॉकलेट खा लेता था तो मेरे पैसे खत्म हो जाते थे सॉरी यार टप्पू अब मैं इस मिशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा माय बैड लक गोली टप्पू सेना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी यूनिटी और एक का प्रॉब्लम मतलब सबका प्रॉब्लम और डोंट वरी सबके पैसे में से हम चारों शेयर कर लेंगे थैंक यू टप्पू पर मेरे हिस्से के पैसे मैं तेरे को दे दूंगा टप्पू हम मिशन स्टार्ट यस यस सोनू टप्पू गोली गोगी पिंकू टप्पू गेले कुठे सगळे अरे अब्दुल टप्पू सेना को देखा हाँ अभी भी साइकिल लेकर बाहर गई है बाहर गई चाललंय काय ये नक्की टप्पू कोई बड़ी कारस्थानी कर रहा है उसकी संगत में सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है चिट्ठावर को बताना ही पड़ेगा बोल बोल भिड़े हाँ जेठा कहाँ पे हो तुम हिमालय पे बैठा हूँ बोलो बेटा धूप की गर्मी है तो बाप स्त्री की गर्मी है सरल कभी बोलता जी इतने जेठालाल मजाक मत करो अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई सच बोल रहा हूँ हिमालय कंपनी की बनी खुर्ची पे बैठा हूँ अब ये मत पूछना कि खुर्ची कहाँ है पता है दुकान में है गलत गोडाउन में है खुर्ची देख भाई अभी तक सुबह सुबह बोनी नहीं हुई है काम कर तू बोनी करा चल तेरे घर पे 40 इंच का LCD भेज देता हूँ और तेरे लिए स्पेशल भाव 40,000 का 35,000 बोल जेठालाल मुझे LCD नहीं चाहिए मुझे तुम चाहिए ए भाई क्या बोल रहे तू तुम फौरन गोकुलधाम पहुँच जाओ क्या किया टप्पू ने वाह जेठालाल वाह सही सोचा तुमने तुम इतने तो समझदार हो कि तुम्हें अर्जेंट बुलाने की एक ही वजह हो सकती है टप्पू भाई मुझे तुमसे मेरी समझदारी का सरफी टिकट नहीं चाहिए कहते सरफी टिकट प्रमाण पत्र शिक्षक है ना तो इतना भी नहीं मालूम तुझे जेठालाल उसे सरफी टिकट नहीं सर्टिफिकेट बोलते हैं अरे भाई तो अभी मेरा इंग्लिश सुधरना बंद कर और ये बता टप्पू ने क्या किया तुम्हें पता है टप्पू ने क्या किया अरे वही बताने के लिए तूने मुझे फोन किया ना भाई हाँ तो फिर प्रस्तावना छोड़ और मेन पार्ट पे आना अरे क्या हुआ और अभी भी मुझे अब्दुल ने बताया कि टप्पू सेना साइकिल लेकर कहीं बाहर चली गई है वाह मतलब मैं गलत नहीं था कल रात को मैंने जो आवाज सुनी वो टप्पू की थी मैंने बोला देव को मुझे कुछ आवाज आ रही है तो बोली नहीं आपका भ्रम है आपने सपना देखा होगा चालू रख मैं दया को फोन करता हूँ बहुत होशियारी मार रही थी कल अरे भाई तुम देव से बात करना पहले गोकुलधाम तो आ जाओ पता तो चलिए टप्पू सेना कर क्या रही है हाँ हाँ ठीक है हेलो ये दया दया को पहला फोन करता हूँ
जब देखो तब घर का फोन तो बिजी आता, कितनी बात करती है दे अपनी माँ से। इसके मोबाइल में लगाता हूँ। मोबाइल भी उसको खुद को मालूम नहीं होगा कहाँ पड़ा है। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा घर। वाह क्या बात कही है, एकदम सही कहा माँ, एकदम सही कहा। अभी तक माँ के साथ बात चालू है, बोलो। और क्या मिसाल दी हो माँ, गृहिणी की जिंदगी एक पंखे की तरह होती है। वाह घर में काम हो तो वो चलते पंखे की तरह स्पीड और स्फूर्ति से पूरे घर में घूमती रहती है, और जब काम ना हो तो बंद पंखे की तरह शांत हो जाती है। वाह 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 ए गृहिणी, तू तो पंखे जैसी है लेकिन तेरा बेटा टप्पू प्लेन के पंखे जैसा है, उसके सामने जो भी आया वो उड़ गया। बोलू माँ कच्ची कैरी का गोला आ गया। कच्ची के चलो मम्मी बाद में फोन करती हूँ। क्या कच्ची कैरी का गोला? माने आपने नया नाम रखा है कच्ची कैरी का गोला। कच्ची कैरी का गोला वो क्या है कि माँ को कच्ची कैरी बहुत पसंद है और अभी गर्मी की ऋतु है तो गोला, तो आपका नाम रखा कच्ची कैरी का गोला। और मुझे भी कच्ची कैरी का गोला बहुत पसंद है। तो खाजा मुझे खाजा, खाजा मुझे खाजा। और कितनी बात करती है तू अपनी माँ से, मैं कब से दुकान से फोन लगा रहा था, फोन लग ही नहीं रहा था। मैं दुकान से घर तक पहुंच गया तब तक तेरी बात चालू ही है। तो मोबाइल पे फोन करना चाहिए था ना? किया था मैंने, आपके मोबाइल पे भी फोन किया था, लेकिन आपको पता है आपका मोबाइल कहाँ है? कहाँ है? होगा किचन या अलमारी में कहीं। देखा देखा, आप दुकान से अचानक क्यों आ गए? अभी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है भाई तबीयत ठीक है। कुछ कह रहे थे। हाँ मैंने तुझे बताया था ना कल रात को कि मैंने कुछ आवाज सुनी। हाँ और वो शायद आपका कोई भ्रम या सपना था। सपना नहीं था वो टप्पू था। सपने में? सपने में नहीं हकीकत में टप्पू था, रात को 3 बजे उसने भीड़ा को फोन किया था। क्यों? उनके घर का अलार्म बिगड़ गया था। अलार्म नहीं बिगड़ा है, आत्माराम बिगड़ गया है तेरे टप्पू पर। क्यों? ये माँ नाम का चश्मा भी गजब का चश्मा है, बेटे की गलती नजर ही नहीं आती। माँ तो माँ होती है, बच्चों को हंसाने खुद रोती है, बच्चा खुश हो तभी चैन से सोती है। अरे ये तो कविता बन गई। अरे यहाँ सबकी जिंदगी कव्वाली जैसी कर दी है तेरे बेटे टप्पू ने, और तुझे कविता सूझ रही है? सॉरी सॉरी बाबा सॉरी, बताइए क्या हुआ? हुआ क्या, टप्पू ने क्यों आधी रात को भीड़ भाई को फोन किया? अरे हुआ यूं क्यों, जेठालाल 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 टप्पू का कुछ पता चला? नहीं भाई। अरे मेरा सर दर्द बढ़ता जा रहा है। रुकिए। ये लीजिए सर दर्द की दवाई, इसमें से एक गोली खा लीजिए। सॉरी डॉक्टर दया गड़ा, इसमें से सभी गोली आप खाइए। और हमें यह बताइए कि टप्पू की यह क्या नई शरारत है? हाँ। मुझे नहीं पता। दया, अरे दया भाभी आपको पता नहीं है टप्पू के साथ गोली गोगी और मेरी सोनू भी गई है, पता नहीं साइकिल लेके कहाँ बाहर चले गए। मुझे तो डर है कि टप्पू कहीं गड़बड़ ना कर दे। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए भीड़ भाई, मेरा टप्पू शरारत कर सकता है लेकिन गड़बड़ कभी नहीं। दोनों में क्या फर्क क्या है? शरारत खुद के आनंद के लिए की जाती है और गड़बड़ दूसरों के आनंद को छीन लेता है। मातो श्री दयाबा जेठालाल गड़ा, आपके सुपुत्र की शरारत ही सबको भारी पड़ती है। ये देख भीड़ को देख, क्या हालत हो गई है उसकी, गेल पापड़ जैसा हो गया है बेचारा। वो
काला हुआ या ऐसे का हुआ पापड़ होता है ना, उसको हवा लग जाती है ना, तो कैसे कर लो। चेठालाल टप्पू कहाँ है? दया टप्पू कहाँ है? वो रहा। टप्पू पापा जल्दी दादाजी ने आपको क्लब हाउस पे बुलाया है। क्यों? पता नहीं। अरे लेकिन बापूजी तो झिमर काका के घर गए हैं। मम्मी गए हैं नहीं, गए थे, अब दादाजी आ गए हैं और आप सभी को क्लब हाउस में बुलाया, जल्दी जाइए जल्दी। मुझे भी? हाँ आपको भी। लेकिन मैंने क्या किया? भिड़े अंकल, दादाजी ने 2 मिनट में सभी को क्लब हाउस में बुलाया और बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, जल्दी जाइए जल्दी। टप्पू सच सच बता, चल क्या रहा है? वो तो दादाजी ही बता सकते हैं ना, जाइए जल्दी जाइए। रास्ता क्लियर। बापूजी तो नहीं है। जेठा कहाँ है चाचा जी? पता नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहा कहीं। अहो फैजल, मुझे क्यों बुलाया? मैंने कब बुलाया? अरे सोनू ने मुझे कहा कि आपने मुझे क्लब हाउस में बुलाया है। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। तो कमाल है, वो क्यों झूठ बोलेगी? ये नहीं जीता भाई, चलो। जीता भाई क्या बात है, इतने अर्जेंट क्यों बुलाया? किसने? अरे भाई आपने। मैंने? ओ कम ऑन जेठा भाई, मजाक मत करो। गोली ने हमें बताया कि आपने हमें क्लब हाउस में बुलाया है। पर मैं आपको यहाँ क्यों बुलाऊंगा? अरे वो तो आपको पता होगा ना। और जेठा ब्रा सूट है डेविन, हम लोग इतने जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया? मैंने बुलाया। हाँ गोगी पुत्र का फोन आया था, ओ पापा जल्दी घर पे आ जाओ। मैं जल्दी घर पे आ गया तो उसने मुझे बोला जेठा अंकल और दया आंटी क्लब हाउस में बुला रही हैं। ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ? मैं समझ गया। क्या बोलो जल्दी बोलो। टप्पू से ना रात से ही कोई खिचड़ी पका रही है। बोलो, इसमें भी इनको खाना सूझ रहा है। बिड़े मास्टर, ये कहावत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि टप्पू से ना रात से ही कुछ कारनामे में लगी है। अरे यही तो मैं कब से जेठा को बता रहा हूँ। इसका मतलब टप्पू ने अभी हमसे झूठ बोला। सिर्फ टप्पू ने नहीं, गोगी ने भी हमसे झूठ बोला। बग माधवी, सोनू भी अभी झूठ बोलने लगी है। घर जाकर गोली की अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। चलो 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 अभी। और चल भाई रोशन, और ये गोगी जो इतने ड्रामे कर रहा ना, आज इसके ड्रामे निकालते हैं। हम क्यों खड़े है? चला चल। तू यही खड़ी रहेगी या घर आके टप्पू को डांटने में मेरी मदद करेगी? देखिए, अरे हाँ तेरा तो प्रॉब्लम है ना, तू उसको डांट ही नहीं सकती क्योंकि तू तो उसकी माँ है, लेकिन ये उसका बाप आज उसे उसकी शरारत की बराबर सजा देगा। तू इधर ही रहे, आराम से खेल के, कोई टेंशन नहीं है, खेल आराम से इधर। गोकुलधाम के सारे अभिभावक गुस्से में है, और गुस्से में क्यों ना हो भाई, बच्चे जब तक छोटी मोटी शरारत करें तब तक ठीक है, लेकिन पहले तो झूठ बोलना, झूठ बोल के बुला लेना और बुला के फिर खुद गायब हो जाना, अब इस पे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। और इसलिए अगर हमारे यहाँ गोकुलधाम के पेरेंट्स गुस्से में उबल रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या करने वाला है टप्पू। टप्पू सेना ऐसा क्या प्लान कर रही है जिसके लिए उन्हें झूठ बोल के अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना पड़ा? माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आप चिंतित हो या तनाव में। यकीन दिलाता हूं टप्पू सेना जो करने जा रही है वो काम ऐसा है जो प्यार और स्नेह के रिश्तों की डोर में बंधा है। कुछ ऐसा करने जा रहे हैं वो जो हमें बहुत खुशियां देने वाला है, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला है। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।